नित्य यज्ञ करने वाले को ईश्वर क्या उपदेश करते हैं, यह इस मंत्र में कहा है। यस्ता इत्यस्य देवश्रवा ऋषि यज्ञो देवता स्वराट ब्राह्मी बृहति छंदः मध्यमः स्वरः। ओम यस्ते द्रप्सा स्कंदति यस्ते अग्वंशुर्ग्रावच्युतो धिष्णायो रूपस्थात् अध्वर्योर्वा परिवायः पवित्रातम् तेजुहोमि मनसा वशत्कृतगं स्वाहा देवानामुत्क्रमणामसि। यज्ञ करने वाले से परमात्मा कहते हैं कि हे विद्वान मनुष्य, जो तू बहुत सारी उत्तम सामग्रियों को इकट्ठा करके यज्ञ में अर्पित करता है, उसे अग्निदेव सुगंधित करते हुए पवन और जल आदि पदार्थों को पवित्र करते हैं। और नित्य यज्ञ करने से जल वायु और पृथ्वी ये सब पवित्र होते हैं। यज्ञ करने से जो जल और वायु शुद्ध और पवित्र होती है, वे अनेक रोगों को नाश करने में सामर्थ्यवान होती है। जहां यज्ञ होता है, वहां की वायु सब प्राणियों को आनंद देती है। इसलिए हे मनुष्य, नित्य यज्ञ करो, यज्ञ का सदा सेवन करो, जिससे बहुत सारे सुख की वर्षा होती रहे। फिर पठन पाठन वाले वेद परायण यज्ञ के करने वाले का विषय अगले मंत्र में कहा है।